हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एसजी फूड वर्ल्ड में। आज मैं लाई हूँ आपके लिए स्पाइसी एंड क्रिस्पी चिली पटैटो की रेसिपी। खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। जो भी इंग्रेडिएंट्स हमें चिली पटैटो के लिए चाहिए वो सबके घर में मोस्टली होते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चिली पटैटो बनाना। पर उससे पहले, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन के लिए। चिली पटैटो को बनाने के लिए आपको चाहिए आधा किलो आलू। आलू को छील के फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में कट कर लेंगे, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। फ्रेंच फ्राइज़ की तरह लंबे काटने हैं। जब आलू की कटिंग हो जाए तो एक बड़े बर्तन में सारे आलू को डालेंगे और अच्छे से धो लेंगे। दो तीन बारी अच्छे से धोने के बाद एक छलनी की मदद से सारा पानी निकाल दीजिए और एक दो मिनट के लिए इसे थोड़ा सूखने दीजिए। आलू को पूरा ड्राई नहीं करना है, थोड़ा सा सूख जाए तो इसके ऊपर डालिए 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। स्पून से मिक्स करेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर की कोटिंग आलू पे अच्छे से चढ़ जाए। कॉर्नफ्लोर की कोटिंग करने से चिली पटैटो अच्छे से क्रिस्प हो जाते हैं। पर अगर आपको चिली पटैटो को और क्रिस्प करना है तो आप कॉर्नफ्लोर की कोटिंग के बाद एक बैटर बनाइए मैदे का, जिसमें 200 ग्राम मैदे में पानी डाल के एक बैटर सा बना लें, जो कि ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला। आलू को उसमें डिप करें, आलू और क्रिस्पी हो जाएंगे। पर अभी मैं इस स्टेप को स्किप कर रही हूँ। अब एक कढ़ाई लें और उसमें तलने के लिए रिफाइंड ऑयल डालें। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें एक एक करके आलू डालेंगे जो हमने कट किए थे। डिस्टेंस पे डालेंगे, नहीं तो ये चिपक जाएंगे सारे आपस में। ध्यान रखिएगा कि एक साथ आलू मत डालें, एक एक करके आलू डालें और थोड़ी थोड़ी दूरी पे। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। इससे एक तो पोटैटोज़ अच्छे से क्रिस्प हो जाएंगे और अंदर से अच्छे से सिक जाएंगे। आलू को सिर्फ हमें हाफ फ्राई करना है। तो हल्का सा कलर चेंज हो गया है तो हम आलू निकाल लेते हैं। अब हाई फ्लेम पे इसे डबल फ्राई कर लेंगे हल्का गोल्डन कलर आने तक। कंटिन्यू स्टर करना है 1 मिनट तक। आलू फ्राई होके बिल्कुल तैयार हैं, बहुत अच्छा सा कलर भी आ गया है। हम अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 प्याज, मीडियम साइज़ के लिए, और प्याज को कट किया है मैंने क्यूब्स में, जैसे मैं करके दिखा रही हूँ। और प्याज की सारी लेयर्स को अच्छे से अलग कर लेंगे जब ये कट हो जाए। दूसरा इंग्रेडिएंट है हमारा कैप्सिकम, यानी कि शिमला मिर्च। एक शिमला मिर्च लेनी है और उसे कुछ लंबे पीसेस में कट करना है, जैसे हमने फ्रेंच फ्राइज कट किए हैं।
रेडी है हमारे इंग्रेडिएंट्स। अब एक कढ़ाई लीजिए, मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक कढ़ाई ली है और इसमें डाला है 2 टेबलस्पून ऑयल, साथ ही डाला है 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। मिक्स कर लेंगे, 1 मिनट के लिए इसे सॉटे करेंगे ताकि जो इस पेस्ट में कच्चापन है वो निकल जाए। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे। देखिए पेस्ट का थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है और कच्चापन भी आप देखेंगे निकल गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे अनियन, सॉटे करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। इसे भी अच्छे से पकाएंगे जब तक कलर ट्रांसल्यूसेंट नहीं हो जाता अनियन का, मतलब हल्का सा वाइट नहीं हो जाता। पर ध्यान रखिए ओवर कुक नहीं करना है। आप देख सकते हैं प्याज के रंग में कितना बदलाव आ गया है। इस टाइम पे आप ऐड कर दीजिए कैप्सिकम। कैप्सिकम को सिर्फ 1 मिनट के लिए सॉटे करना है। इन वेजिटेबल्स की वजह से भी चिली पटैटो में क्रिस्पीपन रहता है तो हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है। तो कैप्सिकम भी हो चुकी है, इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून टोमेटो सॉस। चिली पटैटो को तीखापन देने के लिए इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून शेजवान सॉस। ये मैंने घर पे बनाई हुई है और मैंने इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर की थी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, साथ ही डालेंगे 1/2 टीस्पून विनेगर, 1/4 टीस्पून सोया सॉस। मिक्स कर लेंगे। सोया सॉस 1/4 से ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो चिली पटाटो थोड़े कड़वे हो जाएंगे। ऐड करेंगे चुटकी भर चीनी ताकि शेजवान सॉस की वजह से जो तीखापन आया है वो थोड़ा बैलेंस आउट हो जाए। मिक्स कर लेंगे। अब ऐड करेंगे आलू जो हमने फ्राई किए थे, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमने सॉस रेडी की थी चिली पटाटो की उसमें ये आलू अच्छे से मिक्स हो जाए। बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने। अब ऊपर से डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, हल्के हाथ से मिला लेंगे। मैंने इसमें डाला है 1 टेबलस्पून हनी, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। रेडी है चिली पटैटो मार्केट स्टाइल में, बहुत ही क्रिस्पी हैं, डिलीशियस हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे ऐसी ही और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।